संभल कर चीन, अब जरा संभल कर, अब अपनी बुरी नीयत जरा सोच समझ कर डालना भारत पर, अपने भारी भरकम टैंकों पर यूं ना इतराना, क्योंकि तुम्हारे टैंकों की मौत भारत में गरज रही है। तुम्हारे टैंकों की मौत का अब नाम भी बदल गया है और अंदाज भी। ये है हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली नाग मिसाइल हेलेना, जिसका परीक्षण ओडिशा के बालासोर में हो गया है। इसका नाम भी अब नाग से बदलकर ध्रुवास्त्र रख दिया गया है। जिस हेलीकॉप्टर पर इसको तैनात किया जाएगा, उस हेलीकॉप्टर का नाम है ध्रुव। ध्रुव भी पूरी तरह से स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, ठीक ध्रुवास्त्र की तरह। ध्रुवास्त्र पूरी तरह से भारत में तैयार की गई मिसाइल है, जिसकी क्षमता 4 किलोमीटर तक है। ये बड़े से बड़े टैंक को पलक झपकते ही नेस्त नाबूद कर सकती है। ध्रुवास्त्र एक तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे दुश्मन पर दाग दो और फिर भूल जाओ, ये खुद ब खुद दुश्मन को ढूंढ कर उसे ढेर करके ही दम लेगी। ये ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली है, जिसे आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर पर फिक्स किया जाता है। ये प्रणाली सभी मौसम में, दिन हो रात हो, किसी भी वक्त हमला करने में सक्षम है और युद्धक टैंकों को नष्ट कर सकती है। डीआरडीओ और सेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अब ऐसी मिसाइलों के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जल्द ये मिसाइल भारतीय सेना को सौंप दी जाएगी और फिर चीन की क्या औकात कि अपने टैंकों पर इतराए और हमारे सैनिकों को डराए।